गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है कोन। कोन आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे आप लोग सॉफ्टी खाते हो या बर्थडे वगैरह जाते हो, उसमें कैप होती है, वो सब कोन की शेप की होती है। इस शेप का आपके पास कोन होता है, जिसमें जो बेस होता है ये सर्कल की शेप का होता है। अगर सर्कल है तो रेडियस होगी, ये हाइट होती है। इसमें एक नई चीज आती है आपके पास, एल। एल का मतलब होता है यहाँ पे स्लैंट हाइट। स्लैंट का मतलब होता है तिरछा यानी टेढ़ी, तो एल का मतलब होता है टेढ़ी हाइट, ठीक है, यानी स्लैंट हाइट। अब इसमें फर्स्ट फॉर्मूला तो होता है सीएसए का होता है, वो होता है पाई आर एल। सेकेंड फॉर्मूला होता है पाई आर टीएसए का, पाई आर एल प्लस आर। और जो थर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है कि मान लो आप किसी क्वेश्चन में एस दे दे और आर दे दे और पूछे सीएसए निकालो, तो कैसे निकालोगे? एल तो दे नहीं रखा, एच और आर दे रखा है, तो उसके लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप लोग कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एच स्क्वायर प्लस बेस आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, हाइपोटेनियस। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फोर, वो क्या कह रहा है? क्या कि फाइंड द सीएसए ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि स्लैंट हाइट तो है आपके पास 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और इसका आप क्या फाइंड करो, सीएसए फाइंड करो। सीएसए का फॉर्मूला जो होता है वो लगा दूंगा सेम टू सेम, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आपको 7 दे रखा है, और एल की वैल्यू 10 आपको दे रखी है। 7 से 7 गया, 22 इंटू 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, सीएसए इसका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5। उसमें आपको बोला है कि द लेंथ ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। एक आपके पास कोन है जिसकी आपको हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने लिखा कि भाई एग्जांपल नंबर 5, हाइट तो है आपके पास 16 सेंटीमीटर और रेडियस है 12 सेंटीमीटर, और आपको इस क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि फाइंड द सीएसए एंड टीएसए ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो और पाई की वैल्यू 3.14 रखो। देखिए आपको फर्स्ट इसमें एल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल्स टू 256 प्लस 144। इधर से स्क्वायर हटा दो, इधर अंडरूट आ जाएगा, तो एल की वैल्यू जाएगी 400 का अंडरूट, यानी एल आ जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया जो आपके पास होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू आपको बोला 3.14 ही रखो, तो मैंने रखी 3.14 इंटू आर की वैल्यू 12 है और एल की वैल्यू 20 है, तो आपके पास जो सीएसए आ जाएगा वो आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका कर्व सरफेस एरिया जो है मल्टीप्लाई करोगे। अब इसी का ही अपन टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई की वैल्यू खुद बोल रहा है 3.14 रखो, आर की वैल्यू उसने अपने को दी है 20 प्लस 12, क्योंकि एल की वैल्यू 20 अपन ने फाइंड किया, तो यहां पे आया 3.14 इंटू 12 इंटू 32, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया सीएसए एंड टीएसए।
अब जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी थोड़ा इजी है, हार्ड नहीं है। वो लास्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन। एक कॉर्न कॉब मतलब भुट्टा है जिसकी जो शेप है वो कोन की जैसी है। हैज द रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको 2.1 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको इस तरह से 21/10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, और हाइट है उसकी 20 सेंटीमीटर। आगे आपको बोला है इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, कि अगर उस कॉब के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स मतलब 4 दाने आती है मक्का के, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने आते हैं, देन आपको बताना है कि उसके ऊपर कितने दाने हैं। तो देखिए उसके लिए मैं क्या निकाल लूंगा, कर्व सर्फेस एरिया निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कर्व कर्व पे केवल मक्का लगती है। तो इसके लिए मैंने निकाला एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड एल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 21/10 का स्क्वायर। एल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 400 प्लस 441/100। एल से हम लिया 100, इससे मल्टीप्लाई होके प्लस 441, देन एल स्क्वायर इक्वल्स टू 40441/100 का अंडर रूट। तो आपके पास जो L की वैल्यू आ जाएगी इस ऊपर वाले का अंडर रूट होता है 20.11, इसका होगा 10। तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 20.11 सेंटीमीटर, आपके पास स्लैंट हाइट आ जाएगी। अब मैंने बताया कि मुझे सीएसए फाइंड करना था, सबसे पहले सीएसए फाइंड किया। सीएसए ऑफ कोन वो होता है आपके पास पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखूंगा क्योंकि उसने बोली नहीं है। आर की वैल्यू अभी आपने 21/10 इंटू एल की वैल्यू आपके पास अभी 20.11, ये इससे कैंसिल 3 टाइम्स, तो आपके पास बचा 66 × 20.11/10। और जब आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके और 10 से डिवाइड करके, तो आपके पास आएगा 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपको ये रखना है 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या है, एरिया है कर्व सरफेस का। अब आपको पता है क्या पता है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास 4 ग्रेन्स है तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 × 132.73, मल्टीप्लाई किया इसको तो आपके पास आएगा 530.92 यानी अप्रोक्सीमेटली 531 ग्रेन्स। अब अपन जो है नेक्स्ट क्लास में कौन के बाद स्क्वायर लेंगे। थैंक यू क्लास।